हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स कंपनी के बारे में। ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस सेगमेंटेशन क्या है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से निवेश करना चाहिए या नहीं, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम इसी वीडियो में। सो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंटेशन है, कंपनी क्या कारोबार करती है, कौन से रीजन के अंदर मेन जो कंपनी का बिजनेस होता है उसके बारे में बात करेंगे, कंपनी के कैश फ्लो दैट इज ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एज वेल एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ पर कंपनियाँ किस तरह से हो रही है करेंटली उसके ऊपर फोकस करेंगे, कंपनी का शेयर प्राइस जिस तरह ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेट सेंटीमेंट ऑल्सो यहाँ पर करंटली निवेश करना चाहिए या नहीं, कंपनी के अंदर जो कंपनी खुद की प्रमोटर होल्डिंग है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या फिर स्टैग्नेंट रह रही है पिछले कुछ क्वार्टर से उसके ऊपर चर्चा करेंगे, एज वेल एज यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी के जो रिजल्ट्स डेट इज क्वार्टरली बेसिस के जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो किस तरह के आ रहे हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी के बारे में बात करें सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका जो मेन जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो है ब्रेक की जो भी लाइनिंग्स जो होती हैं, या आप पर जाकर डेट इज़ गूगल पे जाकर आप देख सकते हो ब्रेक लाइनिंग होता क्या है, बिकॉज यहाँ पर ब्रेक लाइनिंग्स एक तरह के मटेरियल्स होते हैं जो कि मोस्टली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर जो है, नॉन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो है मोस्टली यूज़ होते हैं और उसके साथ साथ में कमर्शियल व्हीकल हो गए, पैसेंजर या फिर ट्रैक्टर ब्रेक, डेफिनेटली आप सबको पता है कि ब्रेक एक ऐसी चीज़ है जो कि हर ऑटोमेटिक व्हीकल के अंदर यूज़ होता है, तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ में यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, डेट इज इट इज़ अ पार्ट ऑफ टीवीएस ग्रुप विद 65.5% का जो स्टेक है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर। सो डेट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग बिकॉज यहाँ पर टीवीएस की जो भी यहाँ पर कंपनी के जो भी मार्केट्स में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके अंदर भी जो है जो सेगमेंटेशन होता है जो चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो इस कंपनी द्वारा किया गया हुआ होता है, दैट इज़ सुंदरम ब्रेक लाइनिंग्स लिमिटेड। कंपनी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैप निकल कर आता है 140 करोड़ का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 0.37% और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है -2.37%। करेंटली शेयर ट्रेड कर रहा है 357 पे और यहाँ पर हाई प्राइस है 1 ईयर का 490 और लो प्राइस रहा है 295। फेस वैल्यू स्टैंड करती है 10 और यहाँ पर डेट है 41.6 करोड़ रुपीज। कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल स्टेज में नहीं है, सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर हमें स्टॉक का प्राइस टर्निंग देखने को नहीं मिल रहा है और रिटर्न्स भी इतना अट्रैक्टिव एज ऑन द टाइम फैक्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी के रेवेन्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो काफ़ी तगड़े जो यहाँ पर रेवेन्यूज़ जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, दैट इज़ कंपनी के जो रेवेन्यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ग्रो ज़रूर हो रहे हैं, बट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बात करूँ तो प्रॉफिटेबिलिटी के नाम पर कंपनी कुछ भी कमा नहीं रही है जो कि यहाँ पर हमें देखने को क्लियरली मिल रहा है। वन ऑफ द रीजन दैट कैन बी यहाँ पर आप समझ सकते हैं डेट इज टीवीएस ग्रुप के ये जो है 65.5% स्टेक है तो वहाँ पर जो चीज़ है जो मार्जिन होंगे वो काफ़ी कम लिए जाते होंगे, सो दैट कैन बी द वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी का रेवेन्यूज़ भले ही बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है बट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो रही है, तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको कंसिडर करनी चाहिए बिकॉज यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिलना चाहिए वो यहाँ पर अभी तक हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर देखने को नहीं मिला है। अब हम यहाँ पर कंपनी के सेल्स के ऊपर डेट इज़ क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर टॉप लाइन भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इतनी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर हमें ग्रोथ हुए देखने को नहीं मिली है, 70 से 80 या फिर 90 करोड़ के आसपास ही यहाँ पर हमें अभी तक तो है देखने को मिल रही है। कंपनी के सेल्स भी इतनी बेहतरीन तरीके से ग्रो नहीं हो रहे हैं, दिसंबर अगर मार्च की बात करूँ तो मार्च के अंदर 80 करोड़, तो अगर यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर 80 करोड़ के हिसाब से भी अगर यहाँ पर 4 क्वार्टर में कंपनी नतीजे जो है आ जाते हैं तो भी 320 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यू आएंगे, बट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 3 करोड़ भी अगर यहाँ पर स्टैग्नेंट समझते हैं तो भी 3, 6, 9 और 12 करोड़ के ही कंपनी के प्रॉफिट्स हो सकते हैं, 12 या फिर समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा 8 या फिर 10 करोड़ रुपए भी अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है जो कि यहाँ पर अभी तक हमें जो है होते हुए देखने को नहीं मिले हैं। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द ईयर ऑन ईयर बेसिस इज 7 करोड़ रुपीज़। कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी इतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हुई है, हालांकि थोड़े बहुत क्वार्टर्स के अंदर बहुत ही अच्छे नेट प्रॉफिट ज़रूर आते हैं बट अगले 1-2 क्वार्टर में वो जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो फिर से लॉस में तब्दील हो जाता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रमोटर होल्डिंग 65.54% स्टेक है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास पड़ा हुआ है, दैट इज सुंदरम ब्रेक लाइनिंग कंपनी के अंदर। जिस तरह से यहाँ पर हमने जो है आपको पहले ही बताया कि जो होल्डिंग है वो यहाँ पर टीवीएस ग्रुप द्वारा
जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जो कि मेजोरिटी स्टेक जो है वहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है। एंड अदर अगर यहाँ पर डी आई ए के ऊपर फोकस, डी आई ए की कोई भी होल्डिंग नहीं है, और उसके साथ साथ में पब्लिक होल्डिंग के अंदर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा 1.19% का स्टेक और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल के इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों द्वारा किया गया हुआ है। कैश फ्लोज के ऊपर फोकस करते हैं तो कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं तो -3 करोड़ रुपीज़ देखने को मिला। डेट इज़ अ नेगेटिव सेंटीमेंट बिकॉज यहाँ पर कंपनी इतना बड़ा धंधा कर रही है और कैश जो रियलाइजेशन होना चाहिए वो यहाँ पर अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं तो वो यहाँ पर है -8 करोड़ रुपीज़, और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखने को मिल रहा है 10 करोड़ रुपीज़, और नेट कैश फ्लो 0 करोड़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का कैश फ्लोज भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और जिस तरह से कंपनी रेवेन्यू देख रहे हैं उसके हिसाब से इतना अच्छे जो है रेवेन्यूज के साथ में यहाँ पर कंपनी के कैश फ्लो इतना अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट ऑन द लाइन इज कंपनी का शेयर प्राइस जिस तरह ट्रेड कर रहा है, दैट इज़ 5 ईयर हाई प्राइस भी अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 5 ईयर हाई प्राइस 836 और करंटली चल रहा है 357 पे, और लो प्राइस रहा है यहाँ पर 133 का। तो एज ऑन अ टाइम फ्रेम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर जिस तरह से मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत जो है अगर प्रेशर रहता है तो अगर 300 के आसपास अगर ये शेयर आता है तो शॉर्ट टर्म टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थोड़ा बहुत जो है निवेश करके रिटर्न्स कमाया जा सकता है, बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम जब तक कंपनी के मार्जिन सुधरते नहीं है तब तक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको सुंदरम ब्रेक लाइनिंग कंपनी के बारे में जिस तरह से चैनल कर बताया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।